अपने से ज्यादा मैंने दूसरों का दिल टूटते हुए देखा। वर्स्ट रिलेशनशिप एडवाइस यू गॉट टिल डेट। तुझसे प्यार करती, जाके उसको बता दे। अच्छा, आपको जिंदगी में पहली बार प्यार कब हुआ था? देखिए, आवाज तो वहीं से होती है जहां से दरार में से ही निकली आवाज। टूटा है तभी आवाज निकली है। टूटा फिर जुड़ा फिर टूटा, तो कितनी बार टूटा। लोग कुछ भी लिख देते हैं। वो होता है ना कि ठीक है, किसी ने आपको गाली दी, आप मत लो, मगर आप इंसान हो, आपको लगता है इधर चुपता है इधर। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आई स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड प्रॉब्ली क्रिएट अराउंड द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के ये रिलेशनशिप्स, दुनिया के जो अलग अलग लोगों की जो रिलेशनशिप्स होती है, उसके ऊपर मैं एक्सप्लोर करके कॉन्टेंट बनाऊँ। बट जब से ये रोस्टिंग और मीम्स और ये वीडियोज़ बनना चालू हुए हैं ना, तब से डबल ट्रिपल हो गया है। बोल देते हैं कि मैं बैंक में काम करती हूँ, रिश्ता भेज रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर हूँ, रिश्ता भेज रही हूँ। आज मेरे साथ वो हैं जो हर लड़की को चाहिए, द ग्रीन फ्लैग। बट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। मतलब आप मिल जाएंगे हर लड़की? मैं नहीं मिलूंगा, बट ग्रीन फ्लैग मिलेगा। जैसा है मेरे से बेहतर बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, ये नाम कैसे सोचा आपने, द ग्रीन फ्लैग? और आजकल तो मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा ट्रेंड में ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग ही चल रहा है। मतलब हम लोग, मतलब किस जमाने में, हालांकि उतनी भी एज नहीं है मेरी, लेकिन जो भी है, मतलब ये सब फ्लैग व्लैग का मतलब तो एक ही होता था, इंडिया का झंडा। हाउ यू थॉट ऑफ दिस? बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सोचा। ये ऑडियंस ने नाम दिया है। होता क्या था कि मेरा नाम है हमज़ा, और हमज़ा बहुत कॉमन नेम नहीं है, और ज़बान पे चढ़ने के लिए भी उर्दू है तो थोड़ा टाइम लगता है लोगों को। तो लोग मेरे पास जब मेरा वीडियो देख के आते थे तो वो बोलते थे कि आप वो वीडियो बनाते हो ना, वो रिलेशनशिप वाले वीडियोज़, ऐसी सारी चीज़ें। तो मैं बोलता था उनको, मेरा नाम जो नहीं याद हो रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने बोला कि कुछ एक ईजी टैग नेम देना पड़ेगा। तो मैं अपने कमेंट सेक्शन पढ़ता था, वो सिर्फ ग्रीन फ्लैग, अमेजन फॉरेस्ट, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट। उससे मैंने बोला कि फिर यही लिख देते हैं, तो मैंने द ग्रीन फ्लैग कर दिया। तो इस तरह नाम पड़ा। घर वालों को बताया कि मैंने ग्रीन फ्लैग रखा है? नहीं, घर वालों को तो जो वो सोशल मीडिया पे देखते बस उनको पता चला। मतलब घर वाले तो हमारे यही कहेंगे ना, हरा झंडा, ये कौन सा नाम हुआ? आई थिंक मम्मी पापा को या फैमिली को तो वो सब समझ में नहीं आता है, ये जो जेन जी वाली भाषा है। अब आने लग गया है, क्योंकि उन्हें भी मतलब हमारे साथ कैचअप करने के लिए, लाइफ में क्या चल रहा है जानने के लिए, मतलब पेरेंट्स आजकल में बच्चों के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सके, उसके लिए भी अब ये सारी चीज़ें पकड़ने लग गए। अच्छा, बट रिलेशनशिप्स पे ही वीडियोस क्यों? हाउ यू स्टार्टेड? मतलब क्या दिल विल ज़्यादा टूटा था फिर, या वजह क्या थी? देखिए, आवाज़ तो वहीं से होती है जहाँ से दरार में से ही निकली आवाज़। टूटा है तभी आवाज़ निकली है। बट अपने से ज़्यादा मैंने दूसरों का दिल टूटते हुए देखा है, दोस्तों का, अपने फैमिली में लोगों का। बहुत अलग अलग जॉब भी करी है इससे पहले मैंने, तो काफ़ी लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस को जब मैंने देखा है तो उसमें से सबकी कॉमन चीज़ें निकली कि सब कहीं ना कहीं या तो गलत वे में ट्रीटेड है या किसी चीज़ से थके हुए। तो बस उसी से ये आइडिया आया। अच्छा, आप मुंबई से ही हैं? नहीं, मैं पटना से। पटना से हैं जी। एंड कितना वक्त पटना में रहे? और फिर मैं पटना में रहा 2012 तक, और फिर 2013 से 2016 में पुणे में रहा, और 16 से फिर मैं तक बॉम्बे में रहा जी। पढ़ाई करके आए थे मुंबई, या मुंबई में कुछ हिस्सा पढ़ाई का किया? नहीं, पढ़ाई मैंने पटना से कंप्लीट करी अपनी 12th तक, और फिर कॉलेज मैंने अपना ग्रेजुएशन किया पुणे से, और बॉम्बे प्योरली काम के सिलसिले से। क्या सोचा? बिल्कुल नहीं पता था, मतलब एकदम भी नहीं मालूम था। मकसद पटना में जब मैं था तो ये था कि बस किसी तरह पटना से निकलना है, क्योंकि वहाँ कुछ था नहीं करने के लिए। वहाँ आप वो, मतलब वो शहर ऐसा था कि वो आपको ऐसे, जबकि मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं मेरी कोई उसकी तरफ कोई हेटरेड है, बहुत प्यारा शहर है, बट वो मुझे ऐसे खींचे जा रहा था। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, प्लस नहीं था कुछ, मतलब एक्सपोजर नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ एक्सपोजर नहीं था उस टाइम पर वहाँ पर। तो वहाँ से बस निकलना था, बस वो निकलने के लिए मैं चला गया पुणे, और जो पहला कोर्स समझ में आया, थोड़ा लिखने का शौक़ था तो इंग्लिश लिया, बट अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स किया। वो करने के बाद बोला MBA करूँगा, वो भी नहीं किया, मर्चेंट नेवी करूँगा, वो भी नहीं किया, कैबिन क्रू बन गया, फ्लाइंग करी। हाँ जी, गो एयर के साथ में फ्लाई करता था। कितने साल? 1.5 साल के बाद उनके साथ फ्लाई। हाँ, तो जब उनके साथ में फ्लाई करा था उस दौरान मैं बैंगलोर में बेस्ड था। फिर फ्लाइंग करने के बाद वापस बॉम्बे आया। पहला जो था कि वही था कि एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है। तो किसी तरह एक कास्टिंग एजेंसी में जॉब लग गई, तो एज अ कास्टिंग असिस्टेंट काम करता था मैं। वहाँ मैंने 3 साल काम किया और जब वहाँ जाके सब कुछ समझ में आया तो पता चला कि आपको सिर्फ अपनी क्राफ्ट पे काम करना है। अगर आप एक अच्छा एक्टर हो तो आपको काम मिलेगा। तो जब वहाँ से निकला तो ये कोविड का पूरा सिलसिला था और हर दिन काम करने का होता है। हर एक एक्टर की ख्वाहिश होती है कि वो हर दिन एक्टिंग करे। बस वो ट्राई करने के वजह से हर दिन कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया और सबसे बेस्ट चीज़ थी कि अपनी खुद की ऑडियंस हर दिन आपको मिल गई। तो बस उसी तरह तो ये स्टार्ट जो किया, ये वहाँ जॉब करते करते कर दिया था या बाद में किया? किया था, मतलब इतना रेगुलरली नहीं करता था, मगर जब टाइम मिले तब थोड़ा बहुत वीडियोस बना देता था। तो सोचते कैसे हो आप कंटेंट? जैसे मान लो आपने मुझे बताया कि बड़े सारे लोगों के दिल टूटते आपने देखे, जैसे मान लो आज किसी की कहानी सुनी, उस वक्त कंटेंट क्योंकि बड़ा रिलेटेबल है कंटेंट जो है, तो मैंने देखा कि मतलब कहीं ना कहीं उसको सोचने के लिए भी ऐसा नहीं होता कि अब आप रोज डेली बैठेंगे और रोज डेली ही दिल टूट रहे हैं लोगों के और रोज डेली आपको किससे सुन रहे हैं। तो किस तरह से आप सोचते कैसे हैं, कैसे ये कंटेंट क्रिएट होता कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका मतलब जवाब देना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बस आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले का कुछ है, वो आपके दिमाग में ना ऐसा आइडिया ड्रॉप करता है। आप पूरे दिन बैठ सोचते रहोगे कि मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, और 7:15 बजे ऐसे कुछ होएगा और आप बोलोगे हाँ इस पर ये बनाता हूँ। मगर अगर उस पर इन डेप्थ बैठ के मैं सोचूं कि मैंने इसके ही ऊपर क्यों बनाया, तब मुझे रियलाइज होता है कि मैं अपने लाइफ के किसी पास इंसिडेंट से या किसी दोस्त की कुछ मुझे कभी बताया था उससे इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। थोड़े उसके लाइफ से थोड़े मेरे लाइफ से मिला जुला के एक कहानी बन जाती है। तो अब आपके सर्कल में आपके फॉलोअर्स को आपके फैंस को तो पता है आप ये कंटेंट बनाते हैं, तो अब कंटेंट चल के भी आता है, डीएम में भी आता है कंटेंट, आसपास जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी कहानी सुनाते हैं अपनी। मैंने ना थोड़ा सा डीएम अभी पढ़ना कम कर दिया है। पहले मैं क्या करता था, मैं क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्यार था, इतना ओवरवेलमिंग था ना, और मेरा खुद बहुत मन करता है डीएम्स पढ़ने का। बट अब मैंने रोक इसलिए दिया है ना क्योंकि आज के टाइम में हेट रेट बहुत ज़्यादा हो गई है। एग्जैक्टली। तो लोग कुछ भी लिख देते हैं और वो होता है ना कि ठीक है किसी ने आपको गाली दी आप मत लो, मगर आप इंसान हो, आपको लगता है इधर चुपता है इधर। अगर आपके माँ आपके बाप के बारे में कोई डायरेक्टली कुछ बोल रहा है तो भले नहीं लेना चाहिए, बट आप एक बार सोचने को मजबूर हो जाते हो यार कि मतलब किसी का क्या बिगाड़ दिया, मतलब उन तक क्यों जा रहे हो। इतना तो मैं तुम्हारे घर पे आके तुमको नहीं दिखा रहा हूँ ना, मेरे वीडियो देखो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने बोला कि थोड़ा सा इधर शांति के लिए जितना अवॉइड कर सकूँ मैं इतना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा बड़े सारे लोगों ने आपको लेकर रोस्ट वीडियोस बनाए हुए थे। हालांकि मैं इस चीज को डिफरेंटली देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रोस्ट और मीम्स उस पे बनते हैं जो कहीं ना कहीं जिंदगी में कहीं पहुंच गया होता है, कुछ आपने एकदम कुछ कामयाब हो गया होता है, क्योंकि मीम समझ ही तब आएगा जब हम किसी मशहूर आदमी पे बनाएंगे। रोस्ट समझ ही तब आएगा, उस रोस्ट को वही देखेगा जो आपको जानता है, और कम से कम रोस्ट जो नहीं जानता वो देखने के बाद देखने जरूर आएगा कि आदमी रोस्ट किसको कर रहा है। डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात है। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? उसमें मैंने कमेंट्स भी पढ़े, एक सेकंड मैं पूरी बात करूं। उसमें मैंने कमेंट्स पढ़े कि ये जिस तरह के लड़के की बात कर रहा है वो तो पापा जैसा लड़का होता है, बट फिर मैंने सोचा कि लड़की के लिए कहीं ना कहीं आइडियल फादर होता है। मतलब अगर आप किसी भी लड़की से बात करेंगे तो बहुत सी लड़कियां आपको बोलेंगी कि ऐसा लड़का चाहिए, पर मुझे पापा जैसा लड़का चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि पापा टाइप लोग खराब तो हो नहीं गए। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, जो ये रोस्टिंग होती है या जो मतलब आपको ज्ञान दिया जाता है? सबसे लकी अब जो हूँ मैं, सबसे पहले तो इस तरीके से देखता हूँ कि एक तो अपने पेज के लिए कंटेंट सोच के बना रहा हूँ, मैं कई और लोगों के पेज के लिए भी कंटेंट बना रहा हूँ। बहुत लोगों को दाल रोटी दे रहे हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा ये जो हेटरेड है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको लोगों के प्यार से ज़्यादा ऊपर लेके जाती है। क्योंकि पहले भी मुझे लोग प्यार करते थे जो मैं बना रहा था उसके लिए, मगर तब इतने लोग नहीं जानते थे। बट जब से ये रोस्टिंग और मीम्स और ये वीडियोस बनना चालू हुए हैं ना, तब से डबल ट्रिपल हो गया है, और उसके वजह से जो लोग प्यार करते हैं उनका प्यार और ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं बस इस नज़रिए से देखता हूँ, और मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि तुमको करना है तुम करो, क्योंकि कोई अगर एक इंसान भी मूव हो जा रहा है ना, जिस जो मैं कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट मतलब ऑफ क्रिएशन इज कंप्लीट। तो जैसे आपने कहा कि मैं डीएम कम पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब अफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। बट क्यों? जब प्यार बढ़ रहा है तो फिर काहे क्यों अफेक्ट होना? क्योंकि आप इंसान हो ना, आप कितना शील्ड कर लोगे, एक बार नहीं होएगा, दो बार नहीं होएगा, मगर कभी ना कभी होएगा इफेक्ट आपको। आप क्रिएशन है, अब ये नहीं है ना कि अब यहाँ पे इस शहर में मैं अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली पटना में है। मतलब आप जब एक किसी नए शहर में जाके रहते हो जहाँ पे आपका बेस नहीं है, आपके बचपन के दोस्त नहीं है, सारे लोग आपको यहाँ पे काम की वजह से मिले हैं, तो आपको अपने दिल की बात भी किसी से करने के लिए बहुत डर लगता है। तो वो अकेलेपन में आप किसी से एक तो बात नहीं कर पा रहे हो, और आप एक दिन अपने आप को बोल लोगे चलो कोई नहीं, दो दिन बोल लोगे कोई नहीं, मगर तीसरे दिन ये जो इस शहर की अकेलापन है ना, वो आपको खा जाता है। और फिर जब वो आप एक गिवन करते हो ना, तो फिर ये सारी चीज़ें एक साथ, मतलब न्यूमरस थॉट्स एक साथ वो आते हैं और आपको ऐसे अंदर खींचते हैं। अब उसके साथ में आपको मोटिवेट करना है अपने आप को अगले दिन उठ के फिर कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो वो जो स्ट्रगल ऑफ, मतलब आई एम ट्राइंग टू पुट इट इन वर्ड्स, द फीलिंग्स दैट इज़ देयर, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लाइक वॉट यू फील एंड देन यू वेक अप अगेन एंड देन यू हैव टू क्रिएट दैट वीडियो अगेन। तो उस फीलिंग को थोड़ा कम करने के लिए मैं अवॉइड करता हूँ पढ़ना। अच्छा, आपको जिंदगी में पहली बार प्यार कब हुआ था, किस उम्र में? मुझे ऐसा लगता है मुझे प्यार सबसे पहली बार 22-23 साल की उम्र में हुआ है। काफी लेट नहीं हुआ? हाँ, पहले उससे पहले। अब कंटेंट देख के लगता है कि बचपन से भाई साहब मतलब शुरू से ही जो है इश्क शुरू हो गया होगा। नहीं, समझ थी, हमेशा से इंट्रोवर्ट रहा हूँ। स्कूल में मैं अपने स्कूल में कभी भी ऐसे लोगों को देखता था मैं, जैसे हमारे स्कूल में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी कि क्लास 8 मतलब 2008 की बात है ये, और उस टाइम पे ना जो भी डेट करता था वो उस टाइम पे नई नई समझ आई थी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ होता है, और जो डेट करता था ना वो अपनी गर्लफ्रेंड का ऐसा हाथ पकड़ के, ऐसे एक कॉरिडोर था सर्कल, उसके चक्कर लगाते थे टू अनाउंस, और वो ऐसा शो ऑफ था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और हम लोग ऐसे अपने क्लासरूम से लंच ब्रेक में खड़े होकर देखते थे, अच्छा ये लोग के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल रहा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लगता था यार मुझे भी बचपन की समझ तो मुझे भी चाहिए यार, मुझे भी ऐसा घूमना, सब देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में चीज़ें देखी हैं, क्योंकि हिम्मत कभी नहीं रही बोलने की, बट विद टाइम फिर हुई समझ में आई चीज़ें। तो जब एक सही इंसान मिला तो लगा कि मिला फिर चला गया, मतलब अभी है नहीं। 2000 पता नहीं अभी तक टूटा है कि नहीं टूटा है, मतलब टूटा तो है बट वो हाँ 2000 मतलब वही है कि टूटा फिर जुड़ा फिर टूटा तो कितनी बार टूटा वो बोल सकते हैं, मुझे लगता है 2019-20 के करीब। हाँ। तभी आपने कंटेंट बनाना ऐसा शुरू किया था या उससे पहले? तब मैं दूसरे तरह कंटेंट बना रहा था, जो मैं अब बना रहा हूँ रिलेशनशिप के ऊपर, वो तो पिछले में मुझे लगता है अगस्त में बना रहा हूँ, लास्ट 2023 अगस्त से। उसके पहले से तो मैं कुछ और बना रहा था, बट 2023 अगस्त से जो बना रहा हूँ वो रिलेशनशिप के ऊपर है। वो कैसे शुरू किया, मतलब क्या स्ट्राइक किया अचानक से कि रिलेशनशिप से बनाते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो ऊपर वाला आपको देता है। अच्छा, कुछ तो हाँ कुछ सोचा नहीं था। मैं बस नीश ट्राई कर रहा था अलग अलग कि क्या, क्योंकि वर्क नहीं कर रहा था कुछ मेरे पेज पे। एक्टिंग तो मैं अपनी कर ले रहा था, मैं समझ गया, मगर घर भी तो चलाना है। यू आर एक्सपेरिमेंटिंग। यस, तो वो नहीं कर पा रहा था मैं। तो फिर सडनली ये बॉयफ्रेंड वाला एक स्टार्ट हुआ, और मुझे लगता है मतलब जेन जी आजकल सबसे परेशान और तड़पती आत्मा, मुझे लगता है जेन जी है, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं या बहुत जल्दी उनका दिल टूट भी जाता है, बहुत जल्दी जुड़ भी जाता है, एक ही दिन में बहुत गहरा प्यार भी हो जाता है। तो मतलब मत कहो जी। जेन जी के कुछ सवाल है मेरे पास, बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने अपनी टीम को बताया कि आपका इंटरव्यू करना है, उन्होंने मुझे बताया कि आपका इंटरव्यू करना है, तो कुछ सवाल भेजे उन्होंने कि ये तो आप जरूर पूछिएगा, और ये सब लड़कियों के सवाल हैं, बिल्कुल, और लड़कियों के और खूबसूरत लड़कियों के सवाल हैं। तो एक है, लड़कियों में क्या क्या रेड फ्लैग्स होते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग सबसे मतलब बहुत हद तक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंसान अच्छे हो तो चीज़ें सही रहती है। तो just try to be a good human being, and if you're a good human being you'll automatically be a green flag, which answers the question ki aap jo red flag cheeze hoti hain, and if you want me to be precise, then treat people with respect, honesty, kindness, and that's what you'll get back from them. Girls mein aisi kaun si habits hoti hain jo instant boys ko turn off kar deti hai? Girls mein ये लड़कियों वाले सवाल मुझे लड़कों का तो मैं ऐसे बता, चलो मैं अपना बता देता हूँ जो मुझे टर्न ऑफ कर देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती है, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दे सकती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उस व्हाट्स हर वेट, आई एम टॉकिंग अबाउट हर वेल बीइंग, हर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दे सकती है। अगर अपने करियर को लेकर पैशनेट नहीं है, उसको पता होना चाहिए कि वो लाइफ में क्या करना चाहती है, मतलब कि ये तीन चीज़ें तो होनी ही चाहिए। Is what I feel. Right. Worst relationship advice you got till date? तुझसे प्यार करती, जाके उसको बता दे। अच्छा, अब इसी में एक सवाल पूछ लेता हूँ। Best relationship advice you got till date? अगर तेरे किस्मत में लिखा है, तो फिर इस दुनिया की कोई ताकत तुझसे नहीं छीन सकती है। अच्छा, जो आपने इससे पहले बताया, तुझे प्यार करती है जाके बता दे, तो पिटे थे उस चक्कर में या कुछ हुआ था? मैं गया नहीं। अरे वाह, एडवाइस ली मगर फॉलो नहीं। आप समझदार निकले। अच्छा ये बताइए, आपके लिए आइडियल लड़की कौन सी है? जो मैं अब ये मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नॉट लाइक इन अ जनरल वे, व्हाट किस तरह की लड़की हमजा को पसंद है? मुझे ऐसा लगता है कि ये वो जब मिलेगी ना, वो बस पता चल जाएगा आपको। कुछ सोचा नहीं? वही तो हम इतना मैंने पूरी लाइफ ना इसी चीज के बारे में सोच के तो इतने साल से मैं सिंगल बैठा हूँ। क्योंकि इतने फिल्टर्स क्रिएट कर दिए ना मैंने कि कोई आता है तो अरे नहीं ये नहीं है, वो कमी है, ये ऐसा है, अच्छा छोड़ो ऐसा, ये वो, अच्छा ये नहीं कर रही है वो इसका, बट लेट समवन कम आई विल बी लाइक। वो शाहरुख खान की फिल्मों में होता है ना, सब कुछ स्लो मोशन हो जाता है, जब लड़की सामने से चल के आती है और ऐसे हवा चलती है, तो बस उसका जैसे मैं हूं ना में था ना, उस उसमें सेन जैसी आई, वो मतलब एकदम साड़ी का पल्लू उड़ रहा है, हवा चल रही है, वो नीचे जाता है, ऐसे हो जाता है, वो उसका वेट कर रहा हूं, तुझे देखा तो ये जाना सनम पलटेगी। तो आपको नहीं लगता कि ये फिल्टर्स आपने जो इतना कंटेंट बना बना के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आपने पर्सनल लेवल पे अपने लिए एक ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली कि कोई पसंद ही नहीं आ रही है? नहीं लगता है मुझे, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे फिल्टर्स की वजह से मुझे नहीं पसंद आ रही है। वो बस ये है कि ये फिल्टर्स मुझे और इजी कर देते हैं टू लाइक नो माई सेल्फ बेटर, क्योंकि मैं खुद को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी वो चीज़ नहीं करता हूँ जो मैंने या तो किसी के लिए की नहीं है या मैं करूँगा नहीं। तो बहुत जगह जैसे कि अब बहुत जैसे कभी मैंने कोई वीडियो बनाया द ब्रदर यू डिजर्व, तो मैं उस वीडियो को देख के बोलता हूँ यार ऐसे तो मैं नहीं करता था अपने मतलब छोटे भाई के साथ या अपनी छोटी बहन के साथ, मैं इस वे में तो ट्रीट उनको नहीं करता हूँ, तो मेरे में भी ये कमी है, तो उससे मैं खुद भी सीख रहा हूँ। तो दीज फिल्टर्स आर वर्किंग इन लाइक अ पॉजिटिव वे फॉर मी। तो घर वाले प्रेशर नहीं डालते शादी कर ले बेटा, या अभी कुछ ऐसा प्रेशर नहीं आया? आप मुझे बता दो कोई एक ऐसी इंडियन मॉम जो नहीं डालती वो प्रेशर। मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी बातें करता है तो इसके बारे में तो खुद को क्यों नहीं ढूंढता है? नहीं, उसमें मैं बहुत सपोर्टिव रहा है। अच्छा। एक ही बार बोलते हैं, फिर मैं मना कर देता हूँ, तो वो बोलते ठीक है बट कर लेना। अच्छा एक चीज़ और जो अक्सर खासतौर पे लड़कियों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न रहता है कि ये लड़का जो है ये वाकई में मुझ में इंटरेस्टेड है या इसे सिर्फ मेरे साथ सेक्स करना है, ये कैसे आप जज कर सकते हो? या ऑपोजिट वेज भी, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जेस्चर्स है सर, वो बॉडी लैंग्वेज है, बिहेवियर है, एफर्ट्स हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट्स ही जाएगा। if someone is only physically interested in you. If there is a mental connection, you'll feel it. वही एक तरीका है, खुद ही जज करना। वही एक तरीका है। आप रीड तो नहीं कर सकते किसी को कि इसको वही चाहिए या इसको प्यार चाहिए। अच्छा, अभी जो कंटेंट आपका चल रहा है, यू आर मेकिंग कंटेंट ऑन रिलेशनशिप्स, ठीक है, यू हैव ट्राइड डिफरेंट जॉनर्स, आपने कहा उसके बाद मुझे इसमें सक्सेस मिला, क्या और भी कुछ है दिमाग में इसके अलावा? एक्टिंग तो एक चीज है ही, नहीं तो मैंने देखा आजकल नॉर्मली कंटेंट क्रिएटर्स दे आर प्लानिंग सम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस कि हम सीरीज बनाएंगे, या हम म्यूजिक वीडियोस भी कुछ लोग बना रहे हैं, हालांकि जो थोड़े लिखने पढ़ने वाले हैं दे आर गोइंग टुवर्ड्स द लॉन्ग फॉर्म। तो कुछ ऐसा दिमाग में अभी या आगे कोई प्लान? पता है ये सब करते करते ना, क्योंकि मैंने लाइफ में इतनी और चीजें भी करी है और अब मैं यहाँ पहुंचा हूँ और माशाल्लाह ये सब अच्छा हो रहा है, तो अब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सब कुछ होने के बाद क्या है ना कि आपके पास टाइम नहीं बचता है टू एम्ब्रेस इट कि आपके पास ये सब कुछ है, और एंड टू बी हैप्पी अबाउट इट। तो खुशी जो है ना कभी कभी आप मिस आउट कर देते हो बिकॉज सब कुछ इतने जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है प्रोसेस करने के लिए, तो आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप खुश नहीं हो पा रहे हो, आप घर वालों के पास टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो बस अब मेरा बस ये है कि अब मुझे खुश रहना है, और खुशी मुझे किससे मिलेगी? दुनिया घूमने से, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से। तो मेरा अभी ऑब्जेक्टिव ये है कि आई स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड प्रॉब्ली क्रिएट अराउंड द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के ये रिलेशनशिप्स, दुनिया के जो अलग अलग लोगों की जो रिलेशनशिप्स होती है उसके ऊपर मैं एक्सप्लोर करके क्या बात है। ये तो फिर मतलब और डीप जाना हुआ कि भाई यहाँ, क्योंकि हर जगह की सेटिंग अलग अलग है, हर जगह के का कल्चर अलग अलग है उस तरीके से। अच्छा, आपको तो प्रपोजल्स आते होंगे ना खूब सारे, तो ग्रीन फ्लैग नाम ही है, तो मतलब लड़कियों को तो सारे ग्रीन फ्लैग ही चाहिए। लोग तो सीधे बोल देते हैं कि मैं बैंक में काम करती हूँ, रिश्ता भेज रही हूँ, अच्छा डॉक्टर हूँ, रिश्ता भेज रही हूँ। तो ये कमेंट्स डीएम्स जो मैं पहले पढ़ता था, अच्छा उसमें आते थे। तो उसमें से भी अभी तक कोई ऐसी नहीं लगी कि मैं मिल के ही देख लूँ या बात करूँ? उन्हें भी पता है कि वो प्यार से लिख रहे हैं, मुझे भी पता है वो प्यार से लिख रहे हैं, तो मैं भी बस उसको प्यार में ले लेता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपका प्यार जल्द मिले, और दुनिया भर के जो रिलेशनशिप्स के बारे में यू वांट टू मेक कंटेंट बनाइए। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई थिंक, बिकॉज आई थिंक मैंने आपसे इतने सारे सवाल पूछे, ये सब सवाल बड़े रिलेटेबल थे, मतलब ये सब वो सवाल थे जैसे आपने कहा मैं कंटेंट बनाता हूँ आसपास देख के, तो ये सब मैंने अपने आसपास जो मैंने महसूस किया जो है वही मैंने आपसे सवाल पूछे, और आपने बड़े अच्छे जवाब भी दिए, एंड आई होप कि इससे बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू।